been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. हेलो गाइस, वेलकम टू तेजी मीडिया न्यूज़। तो गाइस, आज की न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है मार्वल फैंस के लिए, एवेंजर इन्फिनिटी फैंस के लिए। तो फाइनली एवेंजर 4 की हमें पहली झलक मिल चुकी है। जी हाँ, तो फाइनली एवेंजर 4 का पहला लोगो रिलीज हो चुका है। अगर आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से कनेक्टेड हो तो आपको ये बात 15 मिनट पहले ही पता चल चुकी होगी। तो फाइनली एवेंजर 4 का पहला लोगो लॉन्च हो चुका है, जो कि काफ़ी कमाल का दिख रहा है। और देन तभी मैंने उसका थंबनेल हॉकाई से बनाया, क्योंकि इस लोगो में हॉकाई का ऑफिशियल कलर लिया गया है, जो कि कॉमिक बुक में उसके पास है। तो फाइनली वो ये है पिक। तो फाइनली सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये लड़की कौन है। तो एक्चुअली में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जब कोई भी अपनी मूवी बनाता है तो अपने क्रू मेंबर को उसकी जैकेट देता है। तो जैसा कि इस लड़की पहले ये दिखा रही है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर की जैकेट, जो कि उसे पहले मिली थी। और ये लड़की अब एवेंजर 4 में काम कर चुकी है, तो अब ये रिवील्ड कर रही है अपनी एवेंजर 4 की जैकेट को। तो उसमें एवेंजर 4 का लोगो लगा हुआ है, और फाइनली ये फर्स्ट लुक है एवेंजर 4 के लोगो का, जो कि काफ़ी कमाल का दिख रहा है। और इसके कलर की बात करी जाए सबसे इम्पोर्टेंट, तो इसका थोड़ा जूम करके देखते हैं तो इसका जो कलर है वो है थोड़ा सा हल्का सा पर्पल कलर का, जो कि हॉकआई का ऑफिशियली कलर है। और देन इससे ये पता चलता है कि हॉकआई कितना कनेक्टेड है एवेंजर 4 से। तो गाइज, आपको ये लोगो कैसा लगा एवेंजर 4 का पहला, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए कि इसमें 2016, 2017, 2018 क्यों लिखा है, मुझे ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हुई है। अगर मुझे पता चल जाए तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, बट अगर आपको पता है तो मुझे इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इन्होंने एवेंजर 4 के नीचे 16, 17, 18 क्यों लिखा है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उस पर S23 के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।